वेलकम टू दिस लेक्चर. टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दिस आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन क्या है और इसके बारे में जानेंगे. पहले जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है. इट इज डिफाइंड एज वन ऑफ इन विच ऑल कोलिजन्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक. ये इस तरह का गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस जिसमें कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन्स होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है. मतलब उसके अंदर में जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल परफेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी और जो कोलिजन है वो इलास्टिक होगा. इलास्टिक आप समझते हैं. इन विच देर आर नो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, और मॉलिकुल्स बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होता है. तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. ये परफेक्ट इलास्टिक होते हैं मॉलिक्यूल्स और उसके बीच में फोर्सेस नहीं होता है. इट इज ए ऑल्सो कलेक्शन ऑफ परफेक्टली हार्ड स्फीयर्स. में सभी मॉलिक्यूल्स एक स्फीयर की तरह होते हैं, हार्ड बॉल की तरह होते हैं, जो आपस में सिर्फ कोलाइड कर सकते हैं. एनर्जी उसमें से ट्रांसफर 100% हो जाता है. बट डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, और वो क्या करते हैं आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं. इन सच ए केस ऑल द इंटरनल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कंपेनीड बाय चेंज इन टेम्परेचर. तो उसमें अगर सभी के पास अपना इंटरनल एनर्जी होता है, अगर कोई भी इंटरनल एनर्जी चेंज होता है तो चेंज होगा, तो टेम्परेचर भी चेंज होगा. तो ये आइडियल गैस की ये डेफिनेशन है, जिसके बारे में हम लोग इसके और भी आगे पढ़ेंगे. व्हाट इज एक्चुअली आइडियल गैस. नाउ वन मोर थिंग्स. आइडियल गैस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री स्टेट वेरिएबल. ये थ्री स्टेट वेरिएबल से इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं. वो कौन कौन से हैं? वो है प्रेशर, वॉल्यूम है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, एक वॉल्यूम है एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. ये तीनों से इनको कैरेक्टराइज करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी जैसे हैं. एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन देम इज डेड्यूस फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी. और ये काइनेटिक थ्योरी से इसको रिलेशनशिप को डेड्यूस किया गया है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गैस इक्वेशन. इसलिए ओवरऑल इस आइडियल गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन बाई यूजिंग दिस थ्री स्टेट वेरिएबल्स, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. Let us see what is the this relationship between this ideal gas equations by using these three state variables. So इसको use करते हुए कैसे इसके अंदर में state variable आ जाता है. पहले भी हम laws पढ़ चुके हैं, तो laws में भी कई सारी variation देख चुके हैं. तो उन laws को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, use करेंगे ideal gas equations को derive करने के लिए. यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक vessel है जिसमें कि एक गैस रखी हुई है. यहाँ पर गैस है इस vessel में. तो इस वेसल्स में जिसका प्रेशर है, उस गैस का प्रेशर है P1, और उसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है V1, और टेम्परेचर है T1. तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे. अब नाउ क्या करेंगे, कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को चेंज करेंगे. जब प्रेशर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली यूजिंग द बॉयल्स लॉ क्या होगा, हमारा वॉल्यूम भी चेंज होगा. तो P1 से P2 हो गया और V1 से V हो गया. तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या हो गया, हमारा P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V बाई T1 ये हो जाएगा. तो यहाँ से V की वैल्यू को बाहर निकालेंगे, P1 V1 बाई P2. अब नाउ यहाँ पर टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, प्रेशर को कॉन्स्टेंट करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे. जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जैसे प्रेशर तो कॉन्स्टेंट रह गया, V से हमारा V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया. तो ये हमारा चार्ल्स लॉ हो गया. चार्ल्स लॉ में प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है. तो चार्ल्स लॉ इक्वल टू बाई यूजिंग चार्ल्स लॉ V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2. तो ये V इक्वल टू V2 बाई T2 इंटू T1 हो जाएगा. अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस में V की वैल्यू को हम निकाल लेंगे. जब V की वैल्यू को निकाल लेंगे तो इन दोनों के इक्वेशन को फिर इक्वेट कर देंगे. इक्वेट करने के बाद हमें वो पता चलेगा जी P1 V1 बाई P2 ये इक्वेशन ले लिया, दूसरा लिया हमारा V2 बाई T2 इंटू T1. तो ये हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा PV बाई कॉन्स्टेंट की. तो PV बाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं एक कंबाइंड गैस इक्वेशन में यही सेम इक्वेशन आ रहा था. इसी को हम लिखेंगे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी. अब यहाँ पर एक लॉ और जोड़ना है, दैट इज एवोगाड्रो लॉ. दैट इज वी नो दैट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर ये हमारे पास में एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट भी यहाँ पर है, तो हम गैसेस भी हम एन मोल्स ले सकते हैं जो कि वी के प्रोपोर्शनल होता है. तो एन की वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ में. तब ये गैस इक्वेशन हमारा हो जाएगा PV इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एन इंटू
T. So what is constant? So constant is actually PV equal to N into R into 2. तो इस R को constant value दिया गया है. इसी R को हम कहते हैं molar gas constant और universal gas constant. दो नाम से जाना जाता है, molar gas constant और universal gas constant. और हमारा equation बन जाता है PV equal to NRT. ये गैस, इसी पूरे गैस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. इसका एक और नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट. इक्वेशन स्टेट इज ए थर्मोडाइनमिक इक्वेशन. मीन्स ये स्टेट का मतलब, इक्वेशन स्टेट कहने का मतलब है इट इज ए थर्मोडाइनमिक इक्वेशन इन विच इफ यू कीप वन वैल्यू कॉन्स्टेंट द अदर टू वैल्यूज आर वेरीज. तो ये इक्वेशन स्टेट का मतलब होता है. इसमें हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है. तो अगर हम इसे एक को कांस्टेंट करेंगे तो तीन दो बाकी दो को आपस में वो प्रोपोर्शनली वैरी करता चला जाएगा. इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है. सो पीवी इक्वल टू एनआरटी. सो एन क्या हो गया? एन हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू मास बाय मोलर मास. मास ऑफ द गैस बाय मोलर मास. डब्ल्यू बाय एम लिखा, आरटी लिखा. अब डब्ल्यू बाय एम आरटी वॉल्यूम को इस तरफ ले आइए, वी ले आइए, और फिर लिखिए W बाई वी इंटू आर टी. डब्ल्यू बाई वी क्या चीज़ है? W बाई वी हमारा है डेंसिटी ऑफ द गैस. तो ये डेंसिटी ऑफ गैस हो गया हमारा वेट बाई वेट ऑफ द गैस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द गैस. तो ये हमारा आ जाएगा डेंसिटी. की कई सारी डेफिनेशन से हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, जैसे डेंसिटी ऑफ द गैस एट STP होता है. ये हम डेंसिटी ऑफ द गैस एट STP ले रहे हैं. रिलेटिव डेंसिटी होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है, मोलर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी होता है. वेपर डेंसिटी के केस में हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ में कंपेयर करते हैं. तो ये कई सारे डेंसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी. रिलेटिव डेंसिटी ये भी पढ़ चुके हैं. सो एब्सोल्यूट डेंसिटी, ये सब कई सारी डेंसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं. तो ये आप पीछे के लेक्चर में आप देख लीजिएगा. सो PM इक्वल टू डेंसिटी इनटू आरटी. सो जो प्रेशर ऑफ द गैस होगा वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. अगर हम मास और टेम्परेचर का कांस्टेंट कर सकते हैं तो कभी कभी न्यूमेरिकल हमारे इसके ऊपर भी आता है. तो हम लोग कभी इसके इस चीज़ को न्यूमेरिकल वाले सेक्शंस में सॉल्व करेंगे. ऑल द अबव इक्वेशंस आर स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द आइडियल गैस. तो आइडियल गैस इस इक्वेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. अभी देखिए, जो पिछले बार हम डेराइव भी कर चुके हैं कि आइडियल गैस दो लॉज से वैलिड होता है, और दोनों लॉज हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ. तो आइडियल गैस से कहते हैं जो बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है. सिग्निफिकेंस ऑफ आर. पीवी इक्वल टू एनआरटी. इसमें आर की क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस का मतलब देखेंगे. आर इक्वल टू पीवी बाय एनटी. पी हो गया प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. वॉल्यूम हो जाता है हमारा एरिया इंटू लेंथ. और एंटी का मतलब है मोल इंटू टेम्परेचर. तो इसमें एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा. तो फोर्स इंटू लेंथ इक्वल टू मोल इंटू टेम्परेचर. तो फोर्स इंटू लेंथ इज, ये हमारा वर्क हो जाएगा, वर्क मोल टेम्परेचर. तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. तो मोलर गैस कांस्टेंट आर इक्वल टू वर्क डन पर मोल पर केल्विन. आर की कई सारी वैल्यूज हैं. तो हम वैल्यूज को वन बाय वन देखते हैं. इसके अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यूज कहलाती हैं. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर. आर इक्वल टू पी वी बाई टी. अगर हम एक मोल के लिए ले रहे हैं तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी. अब वन मोल ऑफ गैस एट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, दैट इज द वन एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड 0°C ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 liters. तो ये हम जानते हैं कि STP पर एक मोल ऑफ गैस हमेशा ऑक्यूपाई करेगा 22.4 liters, और प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atmospheric प्रेशर. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आर की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे. जैसे एक वैल्यू निकाला जाता है लीटर एटमॉस्फेयर में. तो लीटर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेंगे. आर इक्वल टू पी वी बाई टी. पी कितना हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1, वी हो गया 22.4 liters, टेम्परेचर 273 केल्विन. इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.0821 liters एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. सीजीएस सिस्टम में कैसे निकालेंगे? तो सीजीएस सिस्टम में हम इसकी वैल्यू इस तरह से निकालेंगे. प्रेशर कितना हो जाएगा? तो 1 atmospheric प्रेशर 1 हो गया. एटमोसफेयर को हम 9.5 cm² में कन्वर्ट करेंगे. तो ये हो गया हाइट ऑफ द मरकरी, ये हो गया डेंसिटी ऑफ द मरकरी, और ये हो गया हमारा वेट ऑफ द मरकरी जी एच रो जी इंटू 1. तो टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ए पी आ जाएगा. वॉल्यू हमारा सेंटीमीटर में 22,400 cm³ हो जाएगा, और टेम्परेचर 273 केल्विन. आर इक्वल टू पी वी बाई टी. इस वैल्यू को रखी, सारे वैल्यू को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 8.314 × 10^7 अर्ज पर केल्विन पर मोल. 1 joule इक्वल टू 10^7 अर्ज होता है. तो इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आर इक्वल टू 8.314 joule पर केल्विन पर मोल
हो जाएगा। अब लेते हैं मास केल्विन सेकेंड सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम जिसमें हम निकाल सकते हैं आर इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमने देख चुका है। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं इसका यूज करते हुए। यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा वन बार का मतलब हो गया 10.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर, क्योंकि वन बार में वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। 22.7 × 10⁻³ मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर 273.15 केल्विन। तो आर की वैल्यू को ये सबको पुट कर देंगे, ये हो गया बार वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो ये हमारा 8.314 जूल पर केल्विन पर वो निकल जाएगा। देयर फोर्थ केस ऑल्सो, जिसमें चौथा केस भी है, जिसमें आर की वैल्यू को हम इन टर्म्स ऑफ कैलोरी में निकाल सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, चारों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर इक्वल टू कैलोरी में निकालने के लिए इसको 4.184 कैलोरी से डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे वैल्यू को, तो ये हमारा हो जाएगा अबाउट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो आर की 4 वैल्यूज़ है, तो 4 वैल्यूज़ को डिफरेंट डिफरेंट केस में इसका यूज़ होता है। नाउ लेट अस सी द सम सॉल्व न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 800 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर्स। तो यहाँ दिया हुआ है आपका डेंसिटी और एसटीपी, इसकी वैल्यू दी हुई है जो कि हमें निकालनी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। डेंसिटी कितनी होगी, तो यहाँ प्रेशर दिया हुआ 800 × 800/760 एटमोसफेयर, मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दैट इज 44 ग्राम, टेम्परेचर 373 केल्विन। हम यूज करेंगे फार्मूला PV = nRT, PV = W/m × RT, डेंसिटी हो जाएगा PM/RT, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू को पुट कीजिए, ऐसे पुट करने के बाद R की वैल्यू है, T की वैल्यू है, तो विल गेट आंसर 1.5124 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इन वॉल्यूम ml एटमोसफेयर पर केल्विन पर मोल, टोर ml पर केल्विन पर मोल एंड किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, दिस इज द पर मोल। तो PV = R = PV/NT, पी हो गया 1, अब वॉल्यूम हो गया 22400 ml × 273। सॉल्व करने पर ये वाली वैल्यू आती है। दूसरी है प्रेशर इक्वल टू टोर में निकालना है, तो प्रेशर हमें 760 टोर लेना होगा, वॉल्यूम 22400 एंड वॉल्यूम 22400 एन इक्वल टू 1 मोल। तो आर की वैल्यू PV/NT, तो पी हो गया 760 टोर, वॉल्यूम 1 × 273 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मोल, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इन थाउजेंड में। तीसरा हमें निकालना है, हमारे क्वेश्चन ने भी देख लिया, किलो पास्कल में निकालना है, तो किलो पास्कल के लिए ये वैल्यू आ जाएगा आर इक्वल टू PV/NT, सो ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया NT पास्कल लीटर, सो ये हमारी 8.31 किलो पास्कल लीटर केल्विन पर मोल। तो एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये कोई निकालना डिफिकल्ट काम नहीं है, यू कैन कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली एंड कंफर्टेबली। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पर सेंटीमीटर दैट इज द ये डेंसिटी है सेंटीमीटर क्यूब। How large a cartridge of liquid CO2 must be provided to inflate a life jacket to 4 liter capacity at STP? STP पे इसको 4 लीटर इन्फ्लेट करने के लिए कितना CO2 के मास चाहिए? तो यहाँ पर मास निकालना, तो हम इक्वेशन जानते हैं PV = W/molar mass × RT, तो ये हमें W इसकी रिक्वायरमेंट है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा PV/m × RT, दिस इज द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ये इक्वेशन से इसी का डेरिवेशन है। प्रेशर की वैल्यू 1 है, वॉल्यूम 4 लीटर है, मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 44 है, और हमारा ये हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 7.84 ग्राम हो जाएगा। हमने क्वेश्चन पूछा है हाउ लार्ज द कार्ट्रिज ऑफ लिक्विड जो मस्ट बी प्रोवाइडेड, वो कितना लार्ज का मतलब है ये वॉल्यूम के बारे में टॉक कर रहा है, कितनी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, तो मास की वैल्यू आप पुट कर लीजिए 7.8 ग्राम, डेंसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मास बाय डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू 9.81 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है।